गुड मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद कर दिया तुसी सारे ठीक होगे। आज एक न्यूज़ आ रही सी कि लड़के और लड़की दी शादी वास्ते कैबिनेट च एक प्रस्ताव पास होया, ते दो मिनट तुहाडे नाल इस गल ते शेयर करन आगे कि तुहाडे व्यूज़ की ने। पिछले साल 2020 साडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने लाल किले तो अपने संबोधन च किया सी कि लड़कियां नू कुपोषण तो बचाण वास्ते सही उम्र शादी दी जरूर सुनिश्चित की जानी चाहिए है कि 18 साल उम्र वाजिब नहीं है। जिंदे ते मैं भी एज ए कमीशन दी चेयरपर्सन इस गल तो सहमत हाँ कि आज दे टाइम नू देखदे हुए साड़ी बच्चियां वास्ते 18 साल उम्र सही नहीं है, क्योंकि मेरे को बच्चियां आंदियां ने ते जून च फिर एक टास्क फोर्स बिठा दी गई इन्दे ते काम करन वास्ते, जिस टास्क फोर्स ने दिसंबर च अपनी एक रिपोर्ट पेश की ते उसे दे आधार ते अज एक कैबिनेट च प्रस्ताव पास होया कि लड़कियां दी शादी दी न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट दे हिसाब नाल अज तक होर भी कम्युनिटी दे जिन्ने एक्ट ने अज तक 18 साल लड़की दी उम्र निर्धारित की गई सी ते 21 साल मुंडे दी, क्योंकि साडे कोल जड़ी साड़ी सोसाइटी है, समाज है और साड़ा जड़ा परिवार दा ताना बनना है, अपा अपनी लड़कियां नू 16 साल 17 साल होंदे आई एक अननेसेसरी उन्हां उत्ते प्रेशर पान लग जाने हैं। पिछले दिनों मेरे को एक बड़ी हाई लड़की पढ़ रही है जिंदी उम्र 22 साल है, और मेरे को सिर्फ ते सिर्फ एक कंप्लेंट दे के गई है कि मैडम मैं दोबारा तो आवांगी, मेरी फैमिली मैनू कहती है तेरे को 2 साल होर ने, मतलब दो कहती मैं कुछ तैयारियां कर रही हूँ IPS IAS दी कुछ होर, एक वारी एक कई वारी फर्स्ट अटैम्प्ट टेस्ट तुसी नहीं क्लियर कर पाते टेस्ट, पर मेरी फैमिली जबकि मेरा ब्रदर 29 साल का हो चुका है, उन्दे ते कोई प्रेशर नहीं, साढ़े घर च अपा दो भरा भैन बड़े आर्गूमेंट्स होंगे ने, मेरी मम्मी भी फादर दे नाल कहंदी 2 साल होर ने, तू जो करना चाहनी है कर लै, 2 साल बाद तेरी शादी कर दिती जाएगी, जिन्हों की मैं बिल्कुल गलत समझ रही हूँ। मैं उस बच्ची की काउंसलिंग की, उन्होंने एक हिम्मत दिती, वो बहुत रो के गई, कंप्लेंट दे के गई फैमिली दे अगेंस्ट कि तुसी उन्हां नू बुला के उन्हां दी काउंसलिंग करो। फिर मैं उन्हें कहा दोबारा तो कि तू एक बारी अपने परिवार नाल बैठ के गल कर, कहिंदे उन्दा एक क्वेश्चन मैनू सी कि मैडम लड़कियां वास्ते पेरेंट्स फोर्स क्यों नहीं करते, जबकि सही शादी की उम्र मेरे ब्रदर की 29 साल की, उन्होंने क्या नहीं जा रहा, मेरे उत्ते अपना डिसीजन क्यों थोपिया जा रहा। आज मैं अपनी फेसबुक फैमिली और पंजाब नू पुछना चाहनी हाँ कि क्या है साडे पेरेंट्स सही करते हैं, क्या हुण जो साडी भारत सरकार एक कानून नवा लेके आन जा रही है, क्या तुसी इंदे ते किन्ने कु सहमत हो, कमेंट करके मैनू दसो, क्योंकि एज ए कमीशन दी चेयरपर्सन मैं समझदी हाँ अज दे समां नू देखदे हुए लड़कियां नू इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है, और 18 साल बहुत घट ने मेरे हिसाब नाल, ते 21 साल भी एक एज दी जड़ी न्यूनतम सीमा है, 21 साल एज नू लड़की दी या लड़के दी पर्सनैलिटी दे नाल नहीं मापना चाहिदा, उन्हूं इंडिपेंडेंट करो, हाई क्वालिफिकेशन दो, पैरां ते खड़ा करो, ताकि कल नू वो अपनी मैरिज लाइफ विच और प्रोफेशनल लाइफ विच एक बैलेंस ले आ सके, जो अज दे समय दी जरूरत नू देखदे होए बहुत ज़्यादा जरूरत है। उम्मीद करदी हाँ तुसी अपने व्यूज मैनू कमेंट बॉक्स विच दसोगे और मेरे विचारां नाल सहमत होगे, और इस तरह अगे भी लोगों नू अवेयर करते रहोगे, सपोर्ट करते रहोगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद कर दिया तुसी सारे ठीक होगे। आज एक न्यूज़ आ रही सी कि लड़के और लड़की दी शादी वास्ते कैबिनेट च एक प्रस्ताव पास होया, ते दो मिनट तुहाडे नाल इस गल ते शेयर करन आगे कि तुहाडे व्यूज़ की ने। पिछले साल 2020 साडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने लाल किले तो अपने संबोधन च किया सी कि लड़कियां नू कुपोषण तो बचाण वास्ते सही उम्र शादी दी जरूर सुनिश्चित की जानी चाहिए है कि 18 साल उम्र वाजिब नहीं है। जिंदे ते मैं भी एज ए कमीशन दी चेयरपर्सन इस गल तो सहमत हाँ कि अज दे टाइम नू देखदे हुए साड़ी बच्चियां वास्ते 18 साल उम्र सही नहीं है, क्योंकि मेरे को बच्चियां आंदियां ने ते जून च फिर एक टास्क फोर्स बिठा दी गई इन्दे ते काम करन वास्ते, जिस टास्क फोर्स ने दिसंबर च अपनी एक रिपोर्ट पेश की ते उसे दे आधार ते
अज एक कैबिनेट च प्रस्ताव पास होया कि लड़कियां दी शादी दी न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिदी है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट दे हिसाब नाल अज तक होर भी कम्युनिटी दे जिन्ने एक्ट ने अज तक 18 साल लड़की दी उम्र निर्धारित कीती गई सी ते 21 साल मुंडे दी, क्योंकि साडे कोल जिहड़ी साडी सोसाइटी है, समाज है, और साडा जिहड़ा परिवारां दा ताना बाना है, आपां अपनी लड़कियां नूं 16 साल 17 साल हुंदिआं ही एक अननेसेसरी उन्हां उत्ते प्रेशर पाउण लग जांदे आ। पिछले दिनों मेरे कोल एक बड़ी हाई लड़की पढ़ रही है जिंदी उम्र 22 साल है, और मेरे कोल सिर्फ ते सिर्फ एक कंप्लेंट दे के गई है कि मैडम मैं दोबारा तो आवांगी, मेरी फैमिली मैनूं कहिंदी है तेरे कोल 2 साल होर ने, मतलब दो, कहिंदी मैं कुछ तैयारियां कर रही हां IPS IAS दी, कुछ होर, एक वारी एक कई वारी फर्स्ट अटैम्प्ट टेस्ट तुसी नहीं क्लियर कर पांदे टेस्ट, पर मेरी फैमिली, जबकि मेरा ब्रदर 29 साल दा हो चुका है, उन्दे ते कोई प्रेशर नहीं, साडे घर च आपां दो भरा भैण आ, बड़े आर्गूमेंट्स हुंदे ने, मेरी मम्मी भी फादर दे नाल कहिंदी 2 साल होर ने, तू जो करना चाहनी है कर लै, 2 साल बाद तेरी शादी कर दित्ती जाएगी, जिन्नू कि मैं बिल्कुल गलत समझनी आ। मैं उस बच्ची दी काउंसलिंग कीती, उन्हूं एक हिम्मत दित्ती, वो बहुत रो के गई, कंप्लेंट दे के गई फैमिली दे अगेंस्ट कि तुसी उन्हां नूं बुला के उन्हां दी काउंसलिंग करो। फिर मैं उन्हूं कहा दोबारा तो कि तू एक बारी अपने परिवार नाल बैठ के गल कर, कहिंदी उन्दा एक क्वेश्चन मैनूं सी कि मैडम लड़कियां वास्ते पेरेंट्स फोर्स क्यों नहीं करदे, जबकि सही शादी दी उम्र मेरे ब्रदर दी 29 साल दी, उन्हूं क्या नहीं जा रहा, मेरे उत्ते अपना डिसीजन क्यों थोपिया जा रहा। अज मैं अपनी फेसबुक फैमिली और पंजाब नूं पुछना चाहनी हाँ कि क्या है साडे पेरेंट्स सही करदे ने, क्या हुण जो साडी भारत सरकार एक कानून नवा लेके आन जा रही है, क्या तुसी इंदे ते किन्ने कु सहमत हो, कमेंट करके मैनू दसो, क्योंकि एज ए कमीशन दी चेयरपर्सन मैं समझदी हाँ अज दे समां नू देखदे हुए लड़कियां नू इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है, और 18 साल बहुत घट ने मेरे हिसाब नाल, ते 21 साल भी एक एज दी जड़ी न्यूनतम सीमा है, 21 साल एज नू लड़की दी या लड़के दी पर्सनैलिटी दे नाल नहीं मापना चाहिदा, उन्हूं इंडिपेंडेंट करो, हाई क्वालिफिकेशन दो, पैरां ते खड़ा करो, ताकि कल नू वो अपनी मैरिज लाइफ विच और प्रोफेशनल लाइफ विच एक बैलेंस ले आ सके, जो अज दे समय दी जरूरत नू देखदे होए बहुत ज़्यादा जरूरत है। उम्मीद करदी हाँ तुसी अपने व्यूज मैनू कमेंट बॉक्स विच दसोगे और मेरे विचारां नाल सहमत होगे, और ऐसे तरह अगे भी लोगों नू अवेयर करदे रहोगे, सपोर्ट करदे रहोगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अलीशा बेगम, एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी अते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नूं कोई कट नहीं सकदा, काला इल्म करना अते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं, परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ, की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान, 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले, एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे ओवें होएगा, इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर, ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल, वशीकरण अते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ, रुसे नू मनाओ, हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199 37467।